जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है उसको हटाने के लिए दिल्ली से, सब जगह से हटाने के लिए, चांदनी चौक से, कनॉट प्लेस से, अन्य जगहों से, कि ये रेडी पटरी वालों को आपने पूरा अधिकार दे दिया कि ये कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे, इसका अधिकार दे दिया। रेडी पटरी वालों के पास कोई दिमाग नहीं ना साहब, इसका मतलब आप कह रहे हो कि भारत के प्रधानमंत्री के पास कोई दिमाग नहीं है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री इस बात को क्लेम करता है कि मैं भी एक चाय वाला था, मैं भी एक स्ट्रीट वेंडर। कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने की आवश्यकता पड़े तो मैं और मेरी लीगल टीम और NHF की पूरी टीम आपके साथ है। मुझे लगता है कि आप लोग इससे ज्यादा आवाज निकाल सकते हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरी आवाज खराब है आज, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में बोलने के लिए आना चाहता था, क्योंकि आज ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और ये महत्वपूर्ण दिन सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है, क्योंकि आप लोग इस देश के वो अंग हैं, इस देश की इकोनॉमी के वो अंग हैं, जो बुरे से बुरे वक्त में इस देश की इकोनॉमी को खड़ा रखते हैं और देश को जिंदा रखते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाम करता हूं और धन्यवाद कहता हूं कि आपने इस देश को बचा रखा है, इस देश की इकोनॉमी को बचा रखा है। साथियों, आप सब जानते हैं कि स्ट्रीट वेंडिंग का काम, रेहड़ी पटरी का काम, घूम घूम कर व्यापार करने का काम इस देश में सदियों से चला आ रहा है, परंतु जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने देखा, वो तो यहां व्यापार करने आए थे, अंग्रेज किस लिए आए थे यहां पर, वो व्यापार करने आए थे, तो उन्होंने देखा कि ये देश तो इतना बढ़िया है कि यहां हर काम घर तक पहुंच के, यहाँ पे हर तरह के स्ट्रीट वेंडर, रेडी पटरी वाले, खोमचे वाले, और ये आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है कि उसको हर काम, चाहे वो सुनार का काम हो, कपड़े का काम हो, कोई भी जिस तरह की वस्तु की आवश्यकता, भोजन का हो, वो घर तक आकर मिल जाता था। जो व्यापारी थे यहाँ के, वो प्राइमरीली स्ट्रीट वेंडर के नेचर के थे, वो घर पर आपकी चीजें पहुंचा जाते थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ये इस तरह से चलता रहा तो जो हम अंग्रेजी सामान लेकर आए हैं ये कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा कानून बनाया कि ये जो भी व्यक्ति स्ट्रीट वेंडिंग कर रहा है सब इलीगल है, ये गलत है, ये आप ऐसा व्यापार नहीं कर सकते, आप तभी व्यापार कर सकते हैं जब आप अंग्रेज से लाइसेंस लेंगे। तो ये लड़ाई तब से चली आ रही है हम लोगों के खिलाफ, विभिन्न कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने और अन्य कोर्ट्स ने बार बार कहा कि नहीं, जो ये हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है स्ट्रीट वेंडर्स के साथ, ये पूरी तरह से गलत है। और बहुत सारे बार बार सरकार को कहा कि नहीं, आप कानून बनाइए बनाइए। अंततया जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि सरकार को, विभिन्न लोगों को बार बार कहने के बाद भी ये लोग कानून नहीं बना रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया 9/9/2013 को, और उसमें कहा कि किसी भी स्ट्रीट वेंडर को आप हटा नहीं सकते हैं जब तक कि आप कानून नहीं बना लेते, 9/9/2013 को। तो जब इन्होंने देखा, सरकार ने और अन्य इसने, कि अब तो हम किसी स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ कोई कार्य कर ही नहीं सकते, तब जाकर 2013 में आदेश पाने के बाद 2014 में, और उसमें नेशनल हॉकर फेडरेशन की विशेष भूमिका रही, जो हम लोगों ने देश में इसी तरह इकट्ठा होकर, हर कोने में इकट्ठा होकर इस बात के लिए लड़ाई की कि नई स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कानून बनाना चाहिए। इसके बाद 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कानून आया, 2014 में
और आज क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, अरे क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, 8 साल हो चुके हैं और इस देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसने इस कानून को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया हो। दिल्ली में इसके लिए कानून, ये कानून में ये था कि आप रूल बनाएंगे, रूल के बाद स्कीम बनाएंगे और उसके बाद सभी लोगों को सीट वेंडिंग करने देंगे। 2014 के कानून का रूल जो है वो 2017 में बनता है, स्कीम जो है 2019 में बनती है और आज तक पूरी तरह से ये वेंडिंग कानून लागू नहीं हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हम लोगों की भी कमी है। उसका कारण ये है कि जब हमारा पड़ोसी स्ट्रीट वेंडर को हटाया जा रहा होता है, उसके साथ कोई ज्यादती कर रहा होता है तो हम सब चुपचाप बैठते हैं कि नहीं साहब उसके साथ हो रहा है, उसके साथ होने दो, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है। ये नहीं सोचते हैं कि कल अगर आज मैं उसको नहीं रोकूंगा तो कल को वो लाठी मेरे ऊपर चलेगी। आप सबको एक आवाज होकर अपने साथी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ हो रहे अन्याय को के लिए साथ में उठकर आवाज उठानी होगी। जिस दिन ये एकता हम लोगों में आ गई और हम अपना काम करने लग गए, तब फिर कोई भी व्यक्ति इस बात की हिम्मत नहीं करेगा कि वो हमें हटाने की कोशिश करे। मेरे कई भाई, मैं वकील हूं तो मेरे कई भाई कहते हैं कि साहब मुझे कोई ऑर्डर दे दो, ऑर्डर दे दो। ऑर्डर कागज पर आएगा, लिखा हुआ आएगा कि नहीं इसको वेंडिंग करने दो, लेकिन वो पुलिस वाला, वो एमसीडी वाला को कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं मान रहा इसको, आप हटाइए हटाइए। वहां पर स्ट्रेंथ क्या होगी, वहां पर आपकी ताकत होगी, आपकी एकता। तो ये कागज के टुकड़ों के लिए मैं हूं, जहां पर आपको कागज के टुकड़े की आवश्यकता है मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन जमीन पर जो एकता चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग दे सकते हैं और इसीलिए आप लोगों को साथ आने की जरूरत है। बहुत समय से ना सिर्फ सरकारी तंत्र बट कोर्ट्स भी कहीं ना कहीं हम लोग के खिलाफ रही हैं। इसके लिए हम लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते आ रहे हैं, बहुत से अच्छे बुरे आदेश हमारे पास आते रहे हैं। लेकिन मैं यही एक संदेश देकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, एक कि नेशनल हॉकर फेडरेशन एक ऐसी संस्था है जो स्ट्रीट वेंडर्स के साथ, रेडी पटरी वालों के साथ, खोमचे वालों के साथ हर समय हर जगह खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। संस्था के तले चुकी एक नेशनल संस्था है, लोगों के बीच में जाकर काम करने वाली संस्था है। मैं चाहता हूं कि हर तरह की संस्थाएं एक साथ इकट्ठा होकर, ताकि सरकारें भी हमारी बात सुने, अन्य अथॉरिटीज भी हमारी बात सुने। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जहां तक आपको कानूनी सहायता की आवश्यकता है, उस सब के लिए ये संस्था आपके साथ है, हम आपके साथ है। चाहे जिस भी कोर्ट में हो आपको आवश्यकता, निचली कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने की आवश्यकता पड़े तो मैं और मेरी लीगल टीम और एनएचएफ की पूरी टीम आपके साथ है। लेकिन मेरे पास एक समस्या आती है जब आप लोग आते हैं हमारे पास, क्योंकि ये इतने सारे लोग हैं, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ छोटी सी बात। जब मेरे पास लोग आते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि आप जहां लगाते हैं उसकी फोटोग्राफ है क्या, तो बोलते नहीं साहब फोटोग्राफ तो कभी खींचा नहीं। लगा कब से रहे, सी 40 साल से लगा रहा हूं, लेकिन आपके पास फोटोग्राफ है क्या, कोई फोटोग्राफ नहीं है। आप लोग जहां जिस मार्केट में लगाते हैं उसका लिस्ट है क्या, नहीं जी कोई लिस्ट नहीं है। आप लोग जहां लगाते हैं उसका नक्शा है क्या, नहीं जी कोई नक्शा नहीं है। तो कोर्ट्स जो है वो आपके सबूतों पर चलते हैं, ये सब बात मालूम है आपको, फिल्में देखी है सबने, आपने फिल्मों में ये डायलॉग होता है कि नहीं, सबूत कहाँ है,
हाँ, लेकिन जब मैं बोलूंगा कि लेकर आ जाइए तब कोई नहीं लेकर आएगा, ठीक है? कब लेकर आएंगे आप बताइए, अभी लेकर आइए, अभी नहीं है। अभी देखिए, इस तरह की जब सभाएं होती हैं तो सब लोग कहते हैं हमारे पास सब डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, लेकिन जब मेरे ऑफिस में आते हैं, बैठते हैं, तब वो डॉक्यूमेंट कम होते हैं या उस तरह से नहीं होते हैं। इसीलिए आप लोग जिस जिस मार्केट से आए हैं, सभी लोग इस बात को इंश्योर करेंगे कि हमारे जितने स्ट्रीट वेंडर्स भाई हैं उनके पास उनके फेरी लगाने के फोटोग्राफ्स हों, उनके पास उस मार्केट की एक लिस्ट हो और उनके जो डॉक्यूमेंट हैं। आप सब लोग एक एक फाइल अपने लिए रेडी के साथ इतना बड़ा रेडी चलाते हैं। मैंने एक दिन कोर्ट में कहा, जब ये केस चल रहा था आप लोगों को हटाने के लिए, दिल्ली से सब जगह से हटाने के लिए, चांदनी चौक से, कनॉट प्लेस से, अन्य जगहों से, तो उन्होंने कहा कि ये रेडी पटरी वालों को आपने पूरा अधिकार दे दिया कि ये कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे, इसका अधिकार दे दिया। रेडी पटरी वालों के पास कोई दिमाग नहीं है, ऐसा उन्होंने कोर्ट में कहा। तो मैंने उनसे पता है क्या कहा था, मैंने कहा साहब इसका मतलब आप कह रहे हो कि भारत के प्रधानमंत्री के पास कोई दिमाग नहीं है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री इस बात को क्लेम करता है कि मैं भी एक चाय वाला था, मैं भी एक स्ट्रीट वेंडर था। तो जब आज मुझे आप कह रहे हो कि इन स्ट्रीट पटरी वालों के पास कोई दिमाग नहीं है, इसका मतलब प्रधानमंत्री के पास कोई दिमाग नहीं है। नेशनल हंगर फेडरेशन, हंगर फेडरेशन, खड़ेंगे, जीतेंगे, खड़ेंगे, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, इंकलाब, इंकलाब।